एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं टाइगर श्रॉफ के पास इस साल, और टाइगर दिशा को साथ डिनर करते देखा गया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा किस बात ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, साल 2020 टाइगर के लिए भाग्यशाली क्यों साबित हो रहा है और कैसे लॉकडाउन का असर दिख रहा है टाइगर के गणपत के मोशन पिक्चर पर? दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ पर। इस वीडियो में फिल्म गणपत से जुड़े नए अपडेट्स हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की फिल्म जिसके लिए उन्होंने पूरे लॉकडाउन के समय मेहनत की, उस फिल्म से जुड़ी कई खबर मिलती रहती है। दोस्तों, कभी इस फिल्म के बारे में ये खबर आई कि फिल्म को जल्द ही शूट किया जाएगा, कभी ऐसा बताया गया कि फिल्म में देरी होगी, तो किसी ने ये भी कहा कि फिल्म अब नहीं बनेगी। लेकिन इन सब का जवाब देने के लिए निर्देशक विकास बहन ने फिल्म गणपत का मोशन पिक्चर लॉन्च किया, जिससे वो लोगों को ये बता सके कि वो पूरी मेहनत से अपने एक्शन फिल्म के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं और वो इस फिल्म को नहीं भूले हैं। इस फिल्म का ऐलान दोस्तों खुद अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने किया और इसका पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़े विस्तार में। दोस्तों, आपको बता दें, अपने दमदार एक्शन से फैंस के दिलों पर राज करने वाले टाइगर श्रॉफ के पास इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ये सब हुआ है उनके सुपर हिट फिल्म बॉर के बाद से। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने अपनी आने वाली नई फिल्म गणपत के बारे में लोगों को जानकारी दी और साथ ही फिल्म का मोशन पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। दोस्तों, पोस्टर शेयर करते हुए टाइगर ने जानकारी दी कि वो इस फिल्म का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि निर्देशक का ड्रीम प्रोजेक्ट है गणपत और इसके लिए उन्होंने अभिनेता को एक बड़ी फीस भी दी है, जो कि अभी तक के हर फिल्म से ज़्यादा होने वाली है। हमेशा की तरह टाइगर श्रॉफ की इस नई फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। पोस्टर में फिल्म गणपत के टाइटल के नीचे पार्ट वन लिखा हुआ है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि एक्शन सीरीज होगी जो साल 2022 में रिलीज होगी, जिसका जिक्र टाइगर और निर्देशक विकास बहल दोनों कर चुके हैं। दोस्तों, टाइगर ने अपने ट्विटर पर मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि मेरे लिए खास है और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए गणपत को पेश कर रहा हूँ, एक्शन, रोमांच और मनोरंजन के लिए तैयार हो जाइए। पोस्टर काफ़ी दमदार है जो कि लोगों को पसंद भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं इस पोस्टर के बारे में। हम आपको बता दें, पोस्टर में टाइगर श्रॉफ ऊंची ऊंची इमारतों और मलबों के बीच शर्टलेस खड़े हुए हैं। उनकी लॉकडाउन की मेहनत उनकी फिजिक से साफ देखी जा सकती है। पोस्टर में टाइगर का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मोशन पोस्टर में टाइगर श्रॉफ की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है, जिसमें कहते सुनाई दे रहे हैं, जब अपना डरता है ना तब अपन बहुत मारता है। इसके अलावा टाइगर के वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर आखिरी बार डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। इसी के साथ वो हीरोपंती 2, बागी 4 और रैम्बो जैसी फिल्मों में काम करते दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, मोशन पिक्चर का ये डायलॉग थोड़ा अलग ज़रूर है, लेकिन दमदार है। जैसे हीरोपंती फिल्म से टाइगर के डायलॉग को काफ़ी सराहा गया था। उम्मीद है कि उनकी इस फिल्म को भी उनकी बाकी फिल्म जितना ही प्यार मिल पाएगा। अगर दोस्तों टाइगर श्रॉफ के करियर की बात करें तो साल 2019 के जैसे उनके लिए 2020 भी काफ़ी भाग्यशाली साबित हो रहा है, क्योंकि इस साल के अंत होते होते उनकी 3 बड़ी फिल्मों से जुड़े अपडेट्स लोगों के सामने आ गए और उनके निजी जीवन में भी काफ़ी सुहाने मौसम देखे जा रहे हैं। दोस्तों, वो अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के साथ हाल ही में डिनर करते नजर आए थे। उन दोनों का चेहरा भले ही ढका हुआ था, लेकिन उनका प्यार उनके मास्क से भी झलक रहा था। वो दोनों किसी दूसरे क्यूट कपल के जैसे एक जैसे मास्क लगा कर दिखे थे। फिल्मों में तो उन्होंने बाजी मारी रखी है। फिलहाल उनके 3 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जिसका टाइगर हिस्सा है और जैसी उनकी फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से तो लगता है कि उनकी तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेंगी। अब बाकी का फैसला लोगों पर निर्भर करता है कि क्या वो बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म के विवाद की वजह से टाइगर की फिल्मों को भी रद्द कर देंगे या फिर उनकी पहली फिल्मों के जैसे इन फिल्मों को भी भरपूर प्यार देंगे। आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। ये स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।